कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स पर। CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के आप हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के आप CGPSC ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। YouTube पर काफ़ी समय से छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियोस नहीं आए हैं। मेरा कुछ मेडिकल कंडीशन था जिस कारण से मैं YouTube के लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसी सप्ताह से आपके आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो YouTube पर कंटिन्यू होंगे। ठीक है, इसी वीक के एंड से हम आपके इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो को YouTube पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अगस्त 2023। पहला टॉपिक है नागार्जुन गुफा। नागार्जुन गुफा कहाँ स्थित है पूछा जाए तो महासमुंद जिले के सिरपुर में सिंघाध्रुआ की पहाड़ी पर 60 फीट गहरी गुफा है, जिसका नाम है नागार्जुन गुफा। ठीक, पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा, नागार्जुन गुफा किस जिले में स्थित है? महासमुंद जिले में। महासमुंद जिले के सिरपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सिंघाध्रुआ पहाड़ी। इस सिंघाध्रुआ पहाड़ी पर 60 फीट एक गहरी गुफा है जिसका नाम है नागार्जुन गुफा। ये नागार्जुन गुफा हाल ही में चर्चा में क्यों आया? इस गुफा का कार्बन डेटिंग के माध्यम से उम्र जानने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जो सिरपुर के सिंघाध्रुआ की पहाड़ी पर जो नागार्जुन गुफा है, इसका कार्बन डेटिंग एक प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति होती है। C14 कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसके उम्र जानने का प्रयास किया जाता है। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की आयु का, उसकी उम्र का, वह वस्तु कितने साल पुराना है, इसका सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। तो उसी कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से इस नागार्जुन गुफा के उम्र को जानने का प्रयास किया जा रहा है। दावा किया जाता है कि जो नागार्जुन गुफा 2 मंजिला गुफा है, जिसमें 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के विद्वान नागार्जुन ने यहां पर योग साधना किया था। बौद्ध धर्म के विद्वान नागार्जुन, इनके नाम से आप परिचित होंगे, भारतीय इतिहास में आप इनके नाम को पढ़े होंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के एक विद्वान रहते नागार्जुन, जिन्होंने 6वीं शताब्दी में इस गुफा में आकर के योग साधना किया था, इन्हीं के नाम पर इस गुफा का नाम पड़ा है आपका नागार्जुन गुफा। ठीक, इसके साथ साथ बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा ने वर्ष 2013 में यहां आकर के साधना की थी। जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत वाले क्षेत्र में जो है बौद्ध धर्म का प्रचलन है, वहां पे बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु होते हैं दलाई लामा। दलाई लामा ने वर्ष 2013 में इस गुफा में आकर के साधना की थी। इससे हमें यह पता चलता है कि इस गुफा का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, इस गुफा का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से इस गुफा का संबंध है। लेकिन कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसका आयु का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से आपके पुरातात्विकविद यह मान रहे हैं कि जो नागार्जुन गुफा है ये बौद्ध धर्म से भी पुराना है। ठीक है, उससे पुराना हो सकता है, इसीलिए कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसकी उम्र जानने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, ये जो नागार्जुन गुफा है ये हमारे प्रदेश में काफ़ी पहले से है, तो काफ़ी पहले भी इसके उम्र जानने का प्रयास किया जा सकता था कार्बन डेटिंग के माध्यम से, लेकिन ये प्रयास अभी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी रिसर्च को करने के लिए मेन जरूरत होती है पैसे की, फंड की। जो सिरपुर वाला क्षेत्र है ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, जहां से हमें बहुत से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, स्पेशली बौद्ध धर्म से संबंधित। तो एक प्रमुख आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है। इस कारण से प्रदेश सरकार ने 4 अप्रैल 2015 को सिरपुर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया था, और इस अथॉरिटी को हर साल 1 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाती है इस क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए हर साल। और इस साल के बजट में, ये जो वित्तीय वर्ष 2023-24 चल रहा है, इस साल के छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2023-24 में इसी अथॉरिटी को बजट में 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। एक बहुत बड़ी राशि मिल रही है। तो अब इस राशि का उपयोग इस क्षेत्र में मौजूद जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसके रिसर्च के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।
जो सिरपुर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र से उत्खनन में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत से धरोहर, उस समय के बर्तन, शिलालेख, मूर्तियां के रूप में लगातार मिले हैं। ठीक है, ये जो आपका सिरपुर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, युगांडा, जापान, कंबोडिया सहित 20 देशों में ईमेल किया था, यानी कि वहां के पुरातात्विक विदों को ईमेल किया था। यहां पर जो आप भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, युगांडा, जापान, कंबोडिया, जो 20 देश के यहां पर नाम बोले जा रहे हैं ना, यहां पर बौद्ध धर्म का प्रचलन है, तो वहां के पुरातात्विक विदों को आमंत्रित किया गया है इस नागार्जुन गुफा में रिसर्च करने के लिए, जिसमें से नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश ने ईमेल का पॉजिटिव रिप्लाई भी दिया है। यहां से उत्खनन में विशेषज्ञ सिरपुर, यानी कि इन जो आपके देश से जहां से रिप्लाई आया है, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ सिरपुर आएंगे, यूनेस्को को भी इसके महत्व के अध्ययन करने तथा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता देने के लिए पत्र व्यवहार भी शुरू कर दिया गया है, यानी कि इसकी प्राचीनता को देखते हुए यूनेस्को, जो कि पूरे विश्व में जो बहुत प्राचीन स्थल है, उसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल करती है, तो इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता देने के लिए इस अथॉरिटी ने यूनेस्को के साथ पत्र व्यवहार भी कर लिया है। ठीक है, देखिए पत्र व्यवहार किया है। अथॉरिटी सिरपुर के आसपास इस गुफा तथा अन्य स्थानों को पर्यटन स्थल बनाने की योजना में जुट गई है। तो यह है आपका नागार्जुन गुफा, देखिए यह है नागार्जुन गुफा जो कि स्पेशली बौद्ध धर्म से संबंधित है। 6वीं शताब्दी में यहाँ पे बौद्ध धर्म के विद्वान नागार्जुन ने आकर के यहाँ पर साधना की थी, योग साधना की थी, इसलिए इस गुफा का नाम पड़ गया है नागार्जुन गुफा। दावा किया जा रहा है कि ये गुफा और भी पुराना हो सकता है, इसलिए कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसकी आयु जानने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी उम्र जानने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका नागार्जुन गुफा कहाँ स्थित है? महासमुंद जिले के सिरपुर में सिंघा ध्रुवा पहाड़ी पर 60 फीट गहरी गुफा है नागार्जुन गुफा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा। जो हमारे भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय दौरे पर आई थी। अब ये दौरे पर तो आई थी, लेकिन उन्होंने किस किस स्थान में गए, वो किस किस स्थान में उन्होंने विजिट किया, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए, अगर कोई भी बहुत बड़े स्तर का अगर राजनेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कोई विदेशी अगर नेता मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं ना, तो वो किस स्थान में जा रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर के पीएससी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के भेंट मुलाकात कार्यक्रम, इससे प्रश्न एग्जाम में पूछा था, तो ये तो भारत की राष्ट्रपति है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 2 दिवसीय दौरे पर आई थी छत्तीसगढ़ में 31 अगस्त 2023 और 1 सितंबर 2023, ये 2 दिन का उनका दौरा था। अब ये 2 दिन के अपने दौरे पर ये कौन कौन से स्थान पर गई, स्थान का नाम याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले ये मंदिर दर्शन और आरती में शामिल हुई, कहाँ पर? श्री जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर रायपुर में। रायपुर में एक जगन्नाथ मंदिर है, उस जगन्नाथ मंदिर में ये गई थी मंदिर दर्शन और पूजा करने के लिए। उसके बाद जो है ये आपके ब्रह्म कुमारी संस्था के सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 के शुभारंभ समारोह में यह शामिल हुई थी। ब्रह्म कुमारी एक संस्था है, ठीक है, उस संस्था में उन्होंने सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 का शुभारंभ किया। तो एक हो गया जगन्नाथ मंदिर रायपुर, दूसरा हो गया ब्रह्म कुमारी संस्था रायपुर, तीसरा महंत घासीदास संग्रहालय, हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र संग्रहालय है, देश का 90वें नंबर का संग्रहालय है, तो इस महंत घासीदास संग्रहालय में भ्रमण उन्होंने किया। नेक्स्ट है रात्रि भोज राज्यपाल के साथ किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 31 अगस्त को कहां कहां पर गई? जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, रायपुर, ब्रह्म कुमारी संस्था रायपुर और महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर, इन 3 जगह पे उन्होंने विजिट किया। नेक्स्ट डे 1 सितंबर 2023 को यह गई महामाया मंदिर रतनपुर, बिलासपुर में थी ये, ठीक है, बिलासपुर के महामाया मंदिर में इन्होंने दर्शन किया। उसके बाद
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हमारे प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दसम यानी कि दसवें दीक्षांत समारोह में यह शामिल हुई, ठीक। और प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के साथ इन्होंने चर्चा किया। तो अगर आप देखेंगे तो ये मुख्य रूप से कुल 5 स्थानों का इन्होंने दौरा किया। सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर रायपुर, दूसरा ब्रह्मकुमारी संस्था रायपुर, और तीसरा है आपका महंत घासीदास संग्रहालय। उसके अगले दिन ये गई बिलासपुर। 1 सितंबर 2023 को बिलासपुर में उन्होंने महामाया मंदिर में दर्शन किया। महामाया मंदिर में दर्शन करने वाली यह पहली राष्ट्रपति है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो रतनपुर का महामाया मंदिर है, इस महामाया मंदिर में दर्शन करने वाली पहली राष्ट्रपति। उसके बाद ये गई गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहाँ पे उन्होंने दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। तो ये आपके टोटल 5 स्थान, लास्ट वाले को आप छोड़ दीजिएगा कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों से इन्होंने चर्चा किया। 5 स्थानों पर ये मुख्य रूप से ये इन्होंने इनका दौरा रहा, ठीक है। तो इन स्थानों के नाम को आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ के दौरे में कौन सा एक स्थान शामिल नहीं था। महंत घासीदास संग्रहालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, महामाया मंदिर रतनपुर, ठीक है। एक हाथ दिया आपका दे देगा, इधर से कोई मंदिर देगा आपका दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो कहाँ कहाँ पे शामिल हुई, जगन्नाथ मंदिर रायपुर में, ब्रह्मकुमारी संस्था रायपुर में, आपका महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में, महामाया मंदिर रतनपुर में, और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में, ठीक। इनको याद रखना। अब देखिए आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से ही संबंधित एक और है, मंजूश्री की प्रतिमा। मंजूश्री की प्रतिमा जो कि 7वीं से 8वीं सदी पुरानी एक प्रतिमा है। मंजूश्री की प्रतिमाओं की अगर हम बात करें तो ये जो प्रतिमा है ये कमल आसन पर विराजमान है, हाथ में पुस्तक, कमल की डंडी, गले में रत्नों की माला इस प्रतिमा में रहती है। बीच में हरे पन्ने का रंग प्रतिमा को बेहद खास बनाता है। एक प्रतिमा के सामने भक्त की छोटी मूर्ति स्थित है। मंजूश्री की कोई एक विशिष्ट प्रतिमा नहीं है, इसकी अलग अलग बहुत सी प्रतिमाएं भारत में प्राप्त हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रतिमा प्राप्त हुई है उसमें मंजूश्री के सामने एक भक्त की छोटी सी मूर्ति भी बनी हुई है। ये जो मंजूश्री की प्रतिमा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए प्रतीक, ये जो आपका मंजूश्री की जो प्रतिमा है ये प्रतीक है, यह बुद्ध होने से पहले बोधिसत्व का एक विग्रह है, यह शिक्षा का उजाला फैलाने वाले है, यह अशुभ शक्तियों का नाश करने वाले है। मंजूश्री के बारे में बताया जा रहा है कि यह बुद्ध होने से पहले बोधिसत्व का एक विग्रह है, ठीक, यह शिक्षा का उजाले फैलाने वाले है और अशुभ शक्ति का नाश करने वाले है। विशेष, देश की सर्वश्रेष्ठ कांस्य प्रतिमाओं में शामिल है। ये जो मंजूश्री की प्रतिमा है ये देश के सर्वश्रेष्ठ कांस्य प्रतिमाओं में शामिल है। 1300 साल पुरानी मंजूश्री सिरपुर में मिली। इस प्रतिमा को 31 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिखाया गया। ये जो प्रतिमा है ना, ये प्रतिमा महंत घासीदास संग्रहालय में लॉक रहती है, ठीक। ये हमें, ये जो प्रतिमा है लॉक रहती है, किसी को छूने का परमिशन नहीं है। लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे छत्तीसगढ़ दौरे पर आई, 31 अगस्त को जब वे महंत घासीदास संग्रहालय में गई तो उनके लिए इस प्रतिमा को निकाला गया, ठीक है। प्राचीन भारत की कांस्य प्रतिमाओं में श्रेष्ठ कही जाने वाली मंजूश्री को करीब 15 साल बाद महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के सुरक्षित कक्ष डबल लॉक से बाहर निकाला गया है। इसे विदेशों में होने वाले भारत महोत्सव में प्राचीन वैभव दिखाने के लिए ले जाया जाता था, फिर इसे लॉकर में रख दिया जाता था। ये जो है आपका 15 साल पहले पेरिस में हुआ था भारत महोत्सव, जहाँ पे लास्ट बार इसे बाहर निकाल करके ले जाया गया था। उसके बाद से ये जो है संग्रहालय में सुरक्षित कक्ष में डबल लॉक में इसे बंद करके रखा गया है, क्योंकि प्रतिमा काफ़ी प्राचीन है और अपने आप में काफ़ी विशिष्ट है। ऐसी प्रतिमाएं बहुत कम प्राप्त हुई है, ठीक है। मंजूश्री की प्रतिमा देखिए, अगर मंजूश्री की प्रतिमा आपको दिखाऊं तो ये है मंजूश्री की प्रतिमा। ये
मंजूश्री की प्रतिमा जिसके सामने एक छोटे से भक्त की मूर्ति है। यही प्रतिमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए निकाला गया था महंत घासीदास संग्रहालय के सुरक्षित कक्ष से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय पर्व पर सार्वजनिक अवकाश। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो जैसे राष्ट्रीय स्तर के पर्व की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर का पर्व कौन कौन सा है, राखी हो गया, दीपावली हो गया, होली हो गया, विजयदशमी हो गया, ये सभी के सभी क्या है, ये राष्ट्रीय स्तर के पर्व है। इस राष्ट्रीय स्तर के पर्व पर तो सार्वजनिक अवकाश रहता ही है, लेकिन जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रीय पर्व है जैसे कि छेरछेरा, पोला, हरेली, इसमें सार्वजनिक अवकाश नहीं होते थे। जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तब से उन्होंने समय समय पर हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत से क्षेत्रीय जो आपके त्यौहार होते हैं, तीज त्यौहार होते हैं, उस पर सार्वजनिक अवकाशों की उन्होंने घोषणा की। अभी हाल ही में अगस्त के महीने में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा गोवर्धन पूजा के दिन भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई, और इसके साथ ही हमारे प्रदेश में टोटल 7 क्षेत्रीय ऐसे पर्व है जिस पर सार्वजनिक अवकाश दिया जाता है। ठीक है, पहले यह अवकाश नहीं दिया जाता था, जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी। देखिए ये किसी राजनीतिक पार्टी का अभी प्रमोशन नहीं हो रहा है ना, वरना अभी चुनाव होने वाले हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर जो है भूपेश बघेल जी या कांग्रेस पार्टी का अपने आप में प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे बेशक उसे अप्रिशिएट कीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ में हरेली, पोला, ठीक है, कर्मा जयंती, तीजा, इसका अपने आप में विशेष महत्व है। जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तब से उन्होंने समय समय पर जो है इन क्षेत्रीय त्योहारों को उन्होंने बढ़ावा दिया। हरेली को उन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है, उन्होंने पोला को बढ़ावा दिया, और साथ ही साथ इसमें जो है इन्होंने सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की। पहले इसमें ऐच्छिक अवकाश होता था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति विशेष चाहे तो इस दिन अपनी इच्छा से अवकाश ले सकता था, लेकिन ऐच्छिक अवकाश को इन्होंने सार्वजनिक अवकाश में बदल दिया। ठीक है, अभी अगस्त के महीने में इन्होंने गोवर्धन पूजा, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के प्रथमा को मनाया जाता है गोवर्धन पूजा, दीपावली के अगले दिन, ठीक है, कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, उसके अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है आपका गोवर्धन पूजा। इस गोवर्धन पूजा में भी आपका सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे प्रदेश में टोटल 7 क्षेत्रीय पर्व है जिसमें सार्वजनिक अवकाश दिया जाता है। सबसे पहला हरेली, जो कि सावन अमावस्या को मनाया जाता है। दूसरा हरतालिका तीज, अभी आने वाला है, ठीक है, हरतालिका तीज जो कि भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। कर्मा जयंती, भक्त माता कर्मा जयंती। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे पाप मोदनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा, कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी, ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस, जो कि 9 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। छेरछेरा, जो कि पूष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इन पर पहले से ही अवकाश दिया गया है। देखिए छठ पूजा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय पर्व नहीं है, ये बिहार में मनाया जाने वाला पर्व है। हमारे देखिए जैसे बिहार में जो है छठ पूजा के लिए सार्वजनिक अवकाश होता था, छत्तीसगढ़ में छठ पूजा के दिन ऐच्छिक अवकाश लिया जा सकता था। तो इस छठ पूजा में भी आपका सार्वजनिक अवकाश की घोषणा काफ़ी पहले ही कर दी गई है। छेरछेरा, जो कि पुष्प पूर्णिमा को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा, जो कि दीपावली के अगले दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के प्रथमा को मनाया जाता है। तो इन क्षेत्रीय त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश दिए जाने की घोषणा की गई है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, हरेली, हरतालिका तीज, कर्मा जयंती और छेरछेरा और गोवर्धन पूजा, ये हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय पर्व हैं। विश्व आदिवासी दिवस, छत्तीसगढ़ जो है एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, जनजाति बहुल राज्य है, इसलिए इस दिन भी आपका सार्वजनिक अवकाश दिया जाता है। छठ पूजा बिहार का मुख्य पर्व है, छत्तीसगढ़ में भी छठ पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश दिया जाता है। जो गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाया जाता है, तो इसको आप याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सूचकांक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। इस देखिए ये जो आपका ये जो सूचकांक है, ये सूचकांक जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाली आबादी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5, देखिए
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट काफी पहले आ चुका था, लेकिन नीति आयोग ने इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट का रेफरेंस लेते हुए बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाली आबादी छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 16.37% है, यानी कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 16.37% आबादी गरीबी रेखा के नीचे बिलो दी पावर्टी लाइन BPL गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करती है। बहुत से समाचार पत्रों में इस 16.37 के जगह 19.37 दे दिया है, जो कि गलत है। जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट में 16.37 है, ठीक है। आप चाहे तो नेट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में है ये आपका रिपोर्ट। मैंने दो बार क्रॉस चेक किया, क्योंकि दो न्यूज़पेपर में आपका 19.37 मेंशन है, जबकि एक्चुअली में ये है 16.37। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 16.37% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करती है, ठीक, 16.37%। अब देखिए, पिछले 5 वर्षों में, यानी कि आपका 2015-16 से लेकर के 19-21, यहां पे ध्यान देना 19-21, जो 19-21 है ना, ये नेशनल आपका फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आधार पर है, और ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, ठीक। तो ये 5 सालों में लगभग छत्तीसगढ़ के 40 लाख लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं, यानी कि 13.53% आबादी ऐसी है जो कि बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। जो एक पावर्टी लाइन होती है, यानी कि बिलो दी पावर्टी लाइन, अबव दी पावर्टी लाइन, जो आप BPL कार्ड, APL कार्ड जो आप सुनते हैं ना, इसकी बात हो रही है। तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वालों की संख्या कितनी है, 16.37%। और पिछले 5 सालों में, ये जो नया सूचकांक आया है, इसमें बताया गया कि पिछले 5 सालों में लगभग 40 लाख लोग, यानी कि 13.53% लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं, यानी कि इनकी स्थिति सुधर चुकी है। अब देखिए, यहां पर ना गरीबी नहीं बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, बहुआयामी गरीबी। गरीबी के स्तर का आकलन केवल भूख और पैसों से नहीं किया जाता, इसमें टोटल 12 संकेतक बताए गए हैं, ठीक है, 12 संकेतक है इसमें। अब ये 12 संकेतक कौन कौन से है, पहले ये देख लीजिए। देखिए, जैसे कि पोषण, न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूलों में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति, बैंक खाते, इनके आधार पर, इन संकेतकों के आधार पर जो है गरीबी का आकलन किया जाता है। जैसे ही हम गरीब शब्द सुनते हैं ना, या गरीबी वर्ड सुनते हैं, तो हमारे माइंड में पहला आता है पैसा और दूसरा खाने के लिए खाना। लेकिन यहां बोला जा रहा है बहुआयामी गरीबी। बहुआयामी गरीबी में न्यूट्रिशन, पोषण की बात की जा रही है, हेल्थ की बात की जा रही है, एजुकेशन की बात की जा रही है, मातृत्व स्वास्थ्य की बात की जा रही है, स्वच्छता की बात की जा रही है, पीने के पानी की बात की जा रही है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, आवास, संपत्ति, बैंक खाते, इन आधार पर इसे कहा जा रहा है बहुआयामी गरीबी। इन आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जा रहा है, ये कहलाता है आपका बहुआयामी गरीबी, जिसमें 12 संकेतों के आधार पर जो है गरीबी का आकलन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाली आबादी कितनी है, 16.37%, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 40 लाख से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं, लगभग 13.53%। इस परसेंटेज को याद रखना। प्रश्न पूछा जाएगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की कुल कितनी प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुकी है, तो कितनी है, 13.53%, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया पूरे छत्तीसगढ़ की बात। अब अगर हम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी का परसेंटेज है 19.71, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कुल ग्रामीण जनसंख्या का 19.71% आबादी बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। बहुआयामी गरीबी के, ये जो है आपके इस गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में
जो कुल आबादी है, कुल आबादी का 19.71% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करते हैं। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में बहुआयामी गरीबी से 16.002% लोग जो है ये बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, एक बार फिर समझना। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो कुल ग्रामीण आबादी है, जो कुल ग्रामीण जनसंख्या है, उसके 19.71% आबादी बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। इसमें से छत्तीसगढ़ की कुल ग्रामीण आबादी में से 16.02% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं पिछले 5 वर्षों में। ठीक, अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी है 4.59%, यानी कि शहरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 4.59% आबादी बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। पिछले 5 वर्षों में शहरी क्षेत्र में 5.58% लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इन सभी आंकड़े, इन सभी परसेंटेज को याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगले 1-2 साल, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे ही, ये आंकड़ा चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, देखिए नेक्स्ट, देखिए जैसे कि मैंने बताया इसमें टोटल 12 संकेतक है, पोषण, स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूलों में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और आपका बैंक खाते। इन सभी संकेतकों में अगर आप देखेंगे, इन सभी संकेतकों में आपका माइनस है, माइनस निगेटिव। ठीक, इसमें क्या है, आपका निगेटिव है। यहाँ पर ध्यान देना, इसके आगे भी निगेटिव है, यहाँ पर 2 में आपका निगेटिव नहीं दिया गया है, स्वच्छता और पीने का पानी, इसमें भी आपका निगेटिव है। इसका मतलब क्या है, इन 12 संकेतकों में स्थिति सुधरी है पिछले रिपोर्ट की तुलना में। पिछला रिपोर्ट का मतलब यहाँ पर बात हो रही है 2015-16 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 की स्थिति में, जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो 5 है 2019-21, इसमें इन 12 संकेतकों में स्थिति सुधरी है। ठीक है, निगेटिव का मतलब आप इसे निगेटिव तरीके से मत लेना, इसका मतलब है पिछले रिपोर्ट की तुलना में इन सभी संकेतकों में सुधार हुए हैं। ठीक, सभी का परसेंटेज याद करना जरूरी नहीं है, फूटी किस्मत रही तो एक आधी परसेंटेज उठा करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो पूछेगा नहीं। अगर याद करना चाहे तो एक स्वास्थ्य वाले को याद कर लेना, मातृत्व स्वास्थ्य को याद कर लेना, ठीक है, स्वच्छता को याद कर लेना, देख लेना अपने हिसाब से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है एक मैप बना हुआ है, इस मैप में जो ज़्यादा डार्क रेड है उसकी स्थिति जो है इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे खराब है, और जो डार्क ग्रीन एरिया है, ठीक है, अगर आप देखेंगे डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, आपका हल्का रेडिश, फिर थोड़ा डार्क रेड और एक बहुत ज़्यादा रेड। अगर आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपका सूचकांक दिए गए हैं, आपका ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, येलो, फिर हल्का रेडिश, फिर थोड़ा डार्क रेड और फिर बहुत रेड, और एक है आपका ये ब्राउन। तो ये जो ज़्यादा आपका जो डार्क रेड या जिसे आप ब्राउन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इस क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी बहुत ज़्यादा है, और ग्रीन वाले एरिया में आपकी बहुआयामी गरीबी कम है। अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ में, देखिए यहाँ पर ना 27 जिलों के आधार पर बताया गया है, ये जो आपका जो रिपोर्ट आया है ये छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के आधार पर है। तो देखिए 27 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में, देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी ये है बीजापुर में, देखते ही बन रहा है मैप में बीजापुर, ठीक है, बीजापुर में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है, लगभग 49.72%। बीजापुर की कुल जनसंख्या का 49.72% आबादी बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड नंबर पर है आपका सुकमा, ठीक है, 42.34%, और थर्ड नंबर पर है आपका नारायणपुर, 36.65%। न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है आपका दुर्ग, ठीक है, दुर्ग जहां पर बहुआयामी गरीबी सबसे कम है 3.55%, उसके बाद बालोद 5.77%, और थर्ड है आपका धमतरी जहां पर है आपका 5.81%।
तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी किस जिले में है, वो है आपका बीजापुर। सबसे कम बहुआयामी गरीबी किस जिले में है, वो है आपका दुर्ग। गरीबी रेखा से ऊपर आई है, ठीक है। ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आई है, तो वो है आपका कबीरधाम कवर्धा जिला, ठीक है। कबीरधाम कवर्धा जिला, इस कवर्धा जिले में कुल आबादी का यानी कि जो आपकी बहुआयामी गरीबी है उसमें 25.79% आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं पिछले रिपोर्ट की तुलना में। दूसरा है आपका जशपुर, जशपुर जहां पर 20.45% आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आया है। और तीसरे नंबर पर है आपका कोरिया, जहां पर जो है 18.21% आबादी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन से हैं, और कौन सा जिला गरीबी रेखा से ऊपर आया है, ये तीन पैमाने को आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन। अब देखिए यहाँ पर दो आंकड़ा दिया गया है, मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में छठवें स्थान पर है, सिक्स्थ पोजीशन पर है, ठीक है। मछली उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये देश में छठवें स्थान पर है, जबकि मत्स्य बीज उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ देश में पांचवें स्थान यानी कि फिफ्थ पोजीशन पर है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन, और यहाँ बात हो रही है मत्स्य बीज उत्पादन यानी कि मछली के जो छोटे छोटे जो अंडे होते हैं ना, यहाँ उसकी बात हो रही है। तो मछली उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ देश में छठवें स्थान पर है, जबकि मत्स्य बीज उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ देश में पांचवें स्थान पर है। एग्जाम में प्रश्न पूछा क्या जा रहा है उस आधार पर अपना आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर मछली उत्पादन पूछ रहा है तो हमारा छत्तीसगढ़ देश में सिक्स्थ पोजीशन पर है, और मत्स्य बीज उत्पादन बोल रहा है तो हमारा छत्तीसगढ़ देश में पांचवें स्थान पर है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के बाद मत्स्य पालकों को ब्याज मुक्त ऋण एवं अन्य सुविधाएं मिलने से लागत में कमी आई है। आप सभी को पता होगा कि हमारे प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाख की खेती और मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया था। कृषि का दर्जा देने से इन्हें 0% ब्याज पर जो है इन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और इस कारण से हमारे प्रदेश में मछली उत्पादन में वृद्धि हुआ है, और हमारा छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन में छठवें स्थान पर और मत्स्य बीज उत्पादन में जो है पांचवें स्थान पर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 13 राज्य में 13 नए अनुविभाग और 18 नए तहसीलों का तोहफा। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्चुअली शुभारंभ किया गया 18 नए तहसीलों का, ठीक है। 18 नए तहसीलों का शुभारंभ किया गया है और 13 नए अनुविभागों का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ ही यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 20 अगस्त 2023 के स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में राजस्व अनुविभागों की कुल संख्या हो गई है 122, जबकि तहसीलों की संख्या हो गई है 250। अक्सर मैंने देखा है बहुत से सोशल मीडिया ग्रुप में जाकर के, टेलीग्राम में जाकर के बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है। अपडेट कर लीजिएगा, 20 अगस्त 2023 की स्थिति में हमारे प्रदेश में तहसीलों की कुल संख्या कितनी है, 250, ठीक है। अब यहां पर बात किया जा रहा है 18 नए तहसीलों का उद्घाटन किया गया 20 अगस्त 2023 को, तो कौन कौन से है यहां पर आप देख सकते हैं, पूरा लिस्ट है, एक बार मैं रीड कर देता हूं। वर्ष 2023 में 18 नए तहसील, जिला रायगढ़ के अंतर्गत तहसील कापू, जिला सूरजपुर के अंतर्गत तहसील भटगांव, जिला कबीरधाम के अंतर्गत तहसील कुकदूर, जिला बस्तर के अंतर्गत तहसील करपावंड, जिला सुकमा के अंतर्गत तहसील दोरनापाल एवं तहसील जगरगुंडा, जिला राजनांदगांव के अंतर्गत तहसील घुमका एवं तहसील कुमरदा, जिला बिलासपुर के अंतर्गत तहसील पचपेड़ी, जिला जशपुर के अंतर्गत तहसील बागबहरा, जिला कांकेर के अंतर्गत तहसील बांदे, तहसील आमाबेड़ा एवं तहसील कोयलीबेड़ा, जिला शक्ति के अंतर्गत तहसील चंद्रपुर, जिला गरियाबंद के अंतर्गत तहसील फिंगेश्वर, जिला बेमेतरा के अंतर्गत तहसील दांडी, जिला शक्ति के अंतर्गत तहसील भोतिया एवं जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत तहसील सरसीवा का गठन किया गया।
अगर याद कर सकते तो बेटर है आपके लिए। इंपॉर्टेंट यही है कि छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त 2023 तक की स्थिति में तहसीलों की कुल संख्या है 250 और राजस्व अनुविभागों की कुल संख्या कितनी है 122। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में 6 पुलिस रेंज। हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक और पुलिस रेंज बनाया गया है। पहले पुलिस रेंज की संख्या थी 5, अब ये हो गया है एक और जोड़ा गया है। कौन सा है? वो है आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव, राजनांदगांव को एक नया पुलिस रेंज बनाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल पुलिस रेंज की संख्या हो गई है 6, पहले थी 5। अब पहले 5 कौन कौन से थे? हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है, तो वो 5 संभाग के नाम पर एक बस्तर पुलिस रेंज, एक दुर्ग पुलिस रेंज, एक रायपुर पुलिस रेंज, एक बिलासपुर पुलिस रेंज और एक था आपका सरगुजा पुलिस रेंज। अभी अब दुर्ग पुलिस रेंज से अलग करके राजनांदगांव पुलिस रेंज बनाया गया है। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में पुलिस रेंज की संख्या कितनी हो गई है? टोटल हो गई है 6। देखिए, जो पुलिस महानिदेशक है वो राज्य के पुलिस बल का मुखिया होता है। प्रशासनिक दृष्टि से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय मंडलों में बांटा जाता है, जिसे रेंज कहा जाता है। ठीक है, देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय मंडलों में बांटा जाता है, जिसे कहा जाता है रेंज, पुलिस रेंज। प्रत्येक पुलिस रेंज पुलिस महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है, यानी कि यहां पर बात हो रही है डीजीपी के। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य का एक पुलिस महानिदेशक होगा, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद आती है रेंज। रेंज यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है आपका दुर्ग संभाग, ये है आपका बस्तर संभाग। अगर यहां से हम देखेंगे तो ये इधर है आपका दुर्ग संभाग, ये है रायपुर संभाग, बिलासपुर और ऊपर है सरगुजा। तो एक ये हो गया सरगुजा, दूसरा बिलासपुर, तीसरा दुर्ग, चौथा रायपुर और पांचवा है आपका बस्तर। ये 5 पुलिस रेंज थे। ठीक, अब इसमें क्या किया गया, इस दुर्ग से अलग करके राजनांदगांव को छठवां पुलिस रेंज बना दिया गया। और इस राजनांदगांव के अंतर्गत राजनांदगांव जिला, खैरागढ़ छुई खदन गंडई जिला, कबीरधाम जिला और मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला, ये सभी के सभी नक्सल प्रभावित जिले हैं। ठीक है, नक्सल प्रभावित जिले हैं, इसलिए इनको सेपरेट करके अलग से पुलिस रेंज बनाया गया है। तो इनको लेकर के एक नया पुलिस रेंज बनाया गया है, राजनांदगांव पुलिस रेंज। और सबसे बड़ा पुलिस रेंज कौन सा है पूछा जाए तो वो है बिलासपुर पुलिस रेंज। इस बिलासपुर पुलिस रेंज के अंतर्गत टोटल 9 जिले आते हैं, पूरे के पूरे बिलासपुर संभाग के जिले। मुंगेली 1, गोरिल्लापिंडा मरवाही 2, बिलासपुर 3, जांजगीर चांपा 4, कोरबा 5, शक्ति 6, सारंगढ़ बिलाईगढ़ 7, रायगढ़ 8 और इसके साथ साथ सरगुजा संभाग वाला जो आपका जशपुर है ये भी इसमें शामिल है। तो टोटल 9 जिले आते हैं इस बिलासपुर रेंज के अंतर्गत। अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो है आपके पुलिसिंग की हायरार्की है। राज्य में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के एक डीजीपी है, पुलिस महानिर्देशक, जो आपके 6 रेंज बनाए गए हैं। उस 6 रेंज में होते हैं आईजीपी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक। जिला स्तर पर होते हैं यानी कि हर एक जिले का, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं आपके एसपी, पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अनुविभाग में होते हैं आपका एडिशनल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, जो पीएससी एग्जाम देने का जो डीएसपी बनते हैं उनकी बात हो रही है, उप पुलिस अधीक्षक। और आपके थाने में होते हैं इंस्पेक्टर निरीक्षक, उप थाने में होते हैं सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक। उसके अलावा आता है चौकी में होता है आपका दरोगा। ठीक है, चौकी में होता है आपका दरोगा। तो ये है आपका पुलिस रेंज। तो याद रखना छत्तीसगढ़ में टोटल 6 पुलिस रेंज है। आपका नवीनतम बना है पुलिस रेंज कौन सा है तो वो है राजनांदगांव। सबसे बड़ा पुलिस रेंज कौन सा पूछा जाए तो वो है आपका बिलासपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है भूकंप। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ जो है लैंडलॉक्ड स्टेट है और हमारे छत्तीसगढ़ में भूकंप जैसी घटना होना ये अपने आप में एक चौंकाने वाला विषय है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र भूकंप प्रभावित है पूछा जाए तो एक है आपका कोरबा और दूसरा है आपका कोरिया। इसी क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके आए हैं। अभी ये अगस्त 2023 में आपका न्यूज़ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, कोरबा जिले वाले क्षेत्र में 1996, 2019, 2021, 2021, 2022 इतने बार जो है अलग अलग तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोरबा का पड़ोसी जिला जो
कोरिया है। कोरिया में 4 साल में 8 बार भूकंप आया है, 2018, 2019, 2021, 2022, यहां पे भी अलग अलग तीव्रता के भूकंप आए हैं। अभी जो भूकंप आया है आपके अगस्त के महीने में, ये भूकंप का जो जोन रहा ये रहा पसान, जो कि कोरबा जिले के अंतर्गत आता है, और इतने बड़े रेडियस में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि कोरबा से प्रभावित हुआ, आपका गोरिल्ला पिंडरा मरवाही प्रभावित हुआ, ऊपर तरफ मनेंद्रगढ़ कोरिया वाला क्षेत्र प्रभावित हुआ, इधर अगर आप देखेंगे तो कोरबा के साइड में रायगढ़ वाला क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ है। तीव्रता काफी थी इसकी। इसमें शुरू में यह कहा गया कि पसान में जो है कोल माइंस है, कोल माइंस में अत्यधिक उत्खनन होने के कारण ये यहाँ पे जो है आपके भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसका रीजन बताया गया यहाँ पर मौजूद कोल माइंस को, लेकिन बाद में जब जांच की गई तो कोल माइंस का इससे कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक है, जब अथॉरिटी के द्वारा जब जांच किया गया तब उनके द्वारा बताया गया कि पसान में स्थित जो कोल माइंस है वह इस भूकंप के झटकों का कारण नहीं है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से 2 जिले भूकंप प्रभावित है, तो एक है कोरबा जिला और दूसरा है कोरिया जिला। ठीक है, ये इस क्षेत्र में बहुत बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वैसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर इंटरव्यू में भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा ध्यान रखना। इस बार जो आपका भूकंप का झटका था वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रता वाला था, और इसके एरिया भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े एरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों के घर के दीवारें भी जो है चटक गई है, दरार पड़ गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। सबसे बड़ी बायोडायवर्सिटी वाले नगर वन का लोकार्पण, देखिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बायोडायवर्सिटी वाले नगर वन का लोकार्पण किया गया कहां पर? दुर्ग जिले के तालपुरी नगर वन में। ठीक है, तालपुरी नामक एक क्षेत्र है दुर्ग में, वहां पर जो है प्रदेश के सबसे बड़े बायोडायवर्सिटी नगर वन का लोकार्पण किया गया। नगर वन, वन जो है ये जनरली जैसे ही हमारे दिमाग में अगर वन वाला क्षेत्र आता है, फॉरेस्ट की बात होती है, जंगलों की बात होती है, तो उसे हम रिलेट करते हैं गांव से, और शहरी क्षेत्र को आपका जनरली कंक्रीट का जंगल कहा जाता है। कंक्रीट का जंगल का मतलब पेड़ पौधे नहीं, पूरे के पूरे सड़कें भी जो है सीमेंट की बनी हुई है, इमारतें सीमेंट की बनी हुई है, इसे कंक्रीट का जंगल कहा जाता है। तो यहां पर आर्टिफिशियल तरीके से यहां पर वन स्थापित किए जा रहे हैं। 300 एकड़ क्षेत्र में ठगड़ा बांध के किनारे इस नगर वन का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। इसमें एक चीज ध्यान देना, प्रश्न पूछा जाएगा ठगड़ा बांध किस जिले में है, तो ठगड़ा बांध जो है ये दुर्ग जिले में है। तो दुर्ग जिले के ठगड़ा बांध के किनारे तालपुरी नगर वन का लोकार्पण किया गया। ये जो लोग इसका जो विस्तार है 300 एकड़ क्षेत्र में है, यहां पर 103 तरह की वनस्पति, 295 तरह के पशु पक्षी है। इसमें सबसे खास आकर्षण 108 एकड़ में फैला एक जलाशय है। ठीक है, उसको याद रखना, यह है आपका तालपुरी नगर वन। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना। अब ये अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है? ये जो है ये आपके स्टेशनों के नवीनीकरण से है, रिनोवेशन। आपके जो ट्रेन के जो स्टेशन है, रेलवे के जो स्टेशन है, वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। अब उसे आधुनिक तरीके से उसका नवीनीकरण किया जाएगा, उसका पुनर्विकास किया जाएगा। पुनर्विकास आधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ इंटर मॉडल एकीकरण तथा यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित दिशा निर्देश की सुविधा प्रदान करने के लिए साइनेज संकेतों के माध्यम से सुविधा भी सुनिश्चित करेगा। स्टेशन भवनों के डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत एवं वास्तुकला से प्रेरित होंगे। उन्नत प्रतीक्षालय प्लेटफॉर्म में बैठने के लिए व्यवस्थित जगह एवं मुफ्त वाईफाई की सुविधा होगी, यानी कि हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। और जो रेलवे स्टेशन का जो नवीनीकरण किया जा रहा है, उस क्षेत्र में उस राज्य की संस्कृति, विरासत एवं वास्तुकला के जो है वास्तुकला से प्रेरित होंगे। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ किस लिए फेमस है? अगर यहाँ की अगर हम विरासत की बात करें तो जो आपका डोंगरगढ़ में जो बम्बलेश्वरी माता का मंदिर है, महामाया मंदिर है, ठीक है, महंत घासीदास संग्रहालय है, चित्रकूट जलप्रपात है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, तो उन सारे चीज़ों का, संस्कृति विरासत एवं वास्तुकला को रेलवे स्टेशनों में दर्शाया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके फ्री वाईफाई की सुविधा, यानी कि एक हाईटेक, एक आधुनिक रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6 अगस्त 2023 को इस अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया गया,
ठीक है, इस आपके अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया गया। देश के 508 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। अभी जो है प्रथम चरण में देश के 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इस 508 रेलवे स्टेशन में छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। कौन कौन से हैं? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा नेवरा, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस और महासमुंद। ये 7 रेलवे स्टेशन शामिल है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। सीधे साधारण शब्दों में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से संबंधित है अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, देखिए इस महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कुल 32 रेलवे स्टेशन शामिल है। इन 32 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में 1660 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 7 स्टेशनों की आधारशिला को रखा। देखिए मैंने क्या कहा, प्रारंभिक चरण में 508 रेलवे स्टेशन पूरे देश भर में। एक्चुअली में ये आंकड़ा 1300 प्लस है, लेकिन शुरुआत में 508 का चयन किया गया है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में टोटल 32 स्टेशनों को इस अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इनका पुनर्विकास किया जाएगा। लेकिन प्रारंभ में 32 में से 7 स्टेशनों का चयन किया गया है। उसमें कौन है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, नेवरा, तिल्दा नेवरा, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस और आपका महासमुंद। ये 7 रेलवे स्टेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है साहित्य, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान की घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ घोषणाएं की गई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक अकादमी सम्मान की घोषणा की गई है, ठीक है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान। प्रदेश के साहित्यिक वातावरण को और भी सुदृढ़ करने के लिए साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणी कौन कौन सी? पहली श्रेणी जिसमें छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोड़ी, हल्बी, सरगुजिहा, कुरुख आदि में लिखे गए साहित्य के लिए सम्मान मिलेगा। दूसरा श्रेणी है हिंदी में लिखे गए पद्य यानी कि कविताओं के लिए। तीसरी श्रेणी है हिंदी में लिखे गए गद्य के लिए यह सम्मान मिलेगा। हिंदी में या तो कविता लिख रहे हैं, हिंदी में या तो कोई रचना, गद्य लिख रहे हैं। पद्य क्या होता है, गद्य क्या होता है, पहले पढ़े होंगे आप हिंदी में, ठीक है, हिंदी व्याकरण का विषय है। तो पद्य हिंदी में पद्य लिखने के लिए, हिंदी में गद्य लिखने के लिए, या फिर छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ की अन्य बोली जो जनजाति बोली है गोड़ी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुख आदि में या आदि में लिखे गए साहित्यों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5,00,000 रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा हर एक श्रेणी में, हर एक श्रेणी में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा। हमारे छत्तीसगढ़ में लाख की खेती और मछली पालन, इन दोनों को 2021-22 में कृषि का दर्जा दिया गया। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया है कि देखिए मछली पालन और लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिए जाने के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन, छत्तीसगढ़ में रेशम के कीट का पालन किया जाता है, और मधुमक्खी पालन, इन दोनों को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। कृषि का दर्जा देने से क्या होगा कि इनके उत्पादन में बढ़ावा होगा। उत्पादन में बढ़ावा किस प्रकार से? देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में ना कृषकों को ऋण प्रदान किया जाता है। ये आपके जैसे मछली पालन, लाख की खेती, इन्हें अभी आपका कृषि का दर्जा मिला है, इससे पहले ये कृषि के अंतर्गत नहीं आते थे। वैसे ही रेशम के कीट और मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा मिलेगा। कृषि का दर्जा मिलने से इन्हें अल्पकालीन ऋण 0% ब्याज दर पर मिलेगा। इससे इसकी खेती करने वाले, आपके रेशम के कीट का पालन करने वाले और मधुमक्खी पालन करने वाले जो लोग हैं, ये 0% ब्याज दर पर किसान के तौर पर अल्पकालीन ऋण ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे कृषकों को 5,00,000 रुपए तक का ऋण 0% ब्याज दर पर प्रदेश सरकार 2014-15 से प्रदान कर रही है। मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया, लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया, तो इन्हें भी जो है 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब अगर ये भी रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन भी कृषि के अंतर्गत आ जाएंगे तो इन्हें भी 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। हमारे मेहनतकश
निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। निर्माण कार्य करने वाले मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है तथा जो 10 साल तक पंजीकृत है, उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। इनका अपना एक जो है, जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों का एक संगठन होता है, उस संगठन में अगर जो श्रमिक पिछले 10 साल से रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, संनिर्माण मंडल के अंतर्गत अगर वो पिछले 10 साल से पंजीकृत है, तो 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर होगा तो उसे 1500 रुपए प्रति माह पेंशन के तौर पर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत की जाएगी। शुरुआत हुआ नहीं है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ी, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में, यहां पर ध्यान देना, प्रदेश में जो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल होते हैं, उसमें जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है, देखिए अलग अलग स्तर पर होते हैं, मितान क्लब में होता है, विकासखंड स्तर पर होता है, जिला स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर होता है, तो यहां पर बात हो रही है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर की दौड़ और कुश्ती, तीन खेल की बात हो रही है, लंबी कूद, लॉन्ग जंप, आपके 100 मीटर की दौड़ और आपका कुश्ती, इन खेलों में जो 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग है, इसमें भी जो है तीन आयु वर्ग होते हैं, 0 से 18 वर्ष, 18 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक, तो यहां पर 18 से 40 वर्ष बोला जा रहा है, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है, उस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में जो राज्य स्तर पर जो लंबी कूद, 100 मीटर की दौड़ और कुश्ती में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम स्थान पर आएगा, उसे उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना। कुक्कुट क्या होता है, आप मुर्गी देखे हैं, मुर्गी का पालन किया जाता है, जो बड़े मुर्गी की बात नहीं हो रही, जब मुर्गी जो है एक चूजा होता है, छोटे आकार में जब वो चूजे होते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका कुक्कुट। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुक्कुट पालन प्रोत्साहित करने के लिए नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी और वाणिज्यिक दर के स्थान पर रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कुछ घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट आपका ये जो है एक गुफा, जो कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत एक नई गुफा की खोज हुई है। इस गुफा का नाम क्या है, इस गुफा का नाम है आपका परवाबाड़ी गुफा। परवाबाड़ी एक गुफा है जो कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत खोजी गई एक नवीन गुफा है। इस नवीन गुफा के अंदर एक स्वच्छ जल का स्रोत भी है। तो परवाबाड़ी गुफा कहाँ पर है पूछा जाए, तो बस्तर जिले में स्थित है आपका परवाबाड़ी गुफा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। पशुओं का इलाज करने के लिए भी सेहत वाली गाड़ी, जैसे कि हमारे प्रदेश में जो है आपका दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक चलता है, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना, उसमें क्या होता है एक चलित मोबाइल मेडिकल यूनिट होता है, जो कि बाजारों में जाकर के, शहरी क्षेत्रों में जाकर के अपने वैन को खड़ा कर देते हैं, जिसमें डॉक्टरों की एक टीम होती है, जिसको भी इलाज कराना होता है वो उस वैन में जाकर के अपना इलाज करा सकता है या अपना कोई लैब टेस्ट करवा सकता है। उसी के तर्ज पर अब चालू किया गया है मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, जिसमें पशुओं का इलाज किया जाएगा इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से। इसमें पशु उपचार, रोग जांच, टीकाकरण, लघु शल्य क्रिया, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा होगी इस वैन में। मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा व परामर्श के लिए इसमें जो है इस वैन को टोल फ्री नंबर 1962 पे कॉल करके भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो यह है मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना जिसके माध्यम से सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सुविधा सुनिश्चित की गई, ठीक है। हमारे प्रदेश में जो है नगरीय निकाय में जो
शासकीय सेवाएं हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, आपके विवाह प्रमाण पत्र मैरिज सर्टिफिकेट बनाना, पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, तो इसमें जो है आपके मितान नियुक्त किए गए हैं। टोल फ्री नंबर पर कॉल करके मितान को घर बुला करके जरूरी दस्तावेज उन्हें सौंप करके 50 रुपये शुल्क दे करके उन्हें जो है जो भी जरूरी दस्तावेज है उन्हें सौंप दिया जाता है। कुछ समय बाद जो वो जो मितान है वो आपके घर में आकर के आपके दस्तावेज को आपको सौंप देगा। ये है मुख्यमंत्री मितान योजना, हमारे शहरी क्षेत्र में लागू है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर इसे लागू किया गया था। मुख्यमंत्री मितान योजना राज्य स्तर पर मितानों की धमक, मुख्यमंत्री मितान योजना को डिजिटल नवाचार, ठीक है, इसे जो है डिजिटल नवाचार पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश सरकार तथा इलेट्स द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश योजना एवं निवेश कॉन्क्लेव 24 अगस्त 2023 लखनऊ में डिजिटल नवाचार में उत्कृष्ट परियोजना एक्सीलेंस इन डिजिटल इनोवेशन वर्ग का पुरस्कार दिया गया हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मितान योजना को, ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना जिसे कौन सा पुरस्कार मिला है, डिजिटल नवाचार का पुरस्कार मिला है। इन पुरस्कारों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश शशांक। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ तब उस समय हमारे प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे शशांक जी, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ। देखिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश W.A. शशांक, जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये जो शशांक जी, जो शशांक जी है W.A. शशांक, ये मणिपुर के उखरुल जिले के ग्राम शांगसाक में वर्ष 1941 में उनका जन्म हुआ। ये किस राज्य से संबंधित पूछा जाए तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित थे। वे देश के किसी भी हाई कोर्ट में पहले आदिवासी न्यायाधीश रहे, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। हमारे छत्तीसगढ़ के पहले न्यायाधीश तो है, इसके साथ साथ वे देश के किसी हाई कोर्ट, यानी कि सबसे पहले इनकी पोस्टिंग हुई थी हिमाचल में, देश के किसी भी हाई कोर्ट के पहले आदिवासी न्यायाधीश भी रहे और फिर नवंबर में गठित छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस भी रहे W.A. शशांक, जिनका हाल ही में निधन हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखिए जलप्रपात। जलप्रपातों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन जलप्रपातों का अलग ही क्रेज चल रहा है। सबसे पहले है नोगोवागा जलप्रपात जो कि मौजूद है नारायणपुर में। अभी हाल ही में जो है अगस्त में आपका सहायक संचालक कृषि का एग्जाम हुआ जिसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था नोगोवागा जलप्रपात। टेलीग्राम में मैं बहुत से न्यूज़ आर्टिकल शेयर करता हूँ, उस न्यूज़ आर्टिकल में जलप्रपात से रिलेटेड भी आर्टिकल शेयर करता हूँ, ये भी आर्टिकल शेयर किया गया था, लेकिन ऐसे जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से बड़े बड़े काफ़ी फेमस जलप्रपात है, जैसे कि अगर हम बात करें आपका जो है अमृतधारा जलप्रपात, ठीक है, रामदाह जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, मकर भंजा जलप्रपात, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हम सोचते हैं। लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से आया, नोगोवागा जलप्रपात किस जिले में है, नारायणपुर जिले में है, ठीक है। वैसे ही ओरछा जलप्रपात नारायणपुर जिले में, एटेक छाड़ जलप्रपात नारायणपुर जिले में, तो तोड़ गेर मेटा जलप्रपात नारायणपुर जिले में, इन जलप्रपातों के नाम को याद रखिए। कुछ अब जो है कुछ इस स्तर के क्वेश्चन बन रहे हैं, जब ये क्वेश्चन बन सकता है तो बाकी जलप्रपात भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नारायणपुर में नोगोवागा, ओरछा, एटेक छाड़, तोड़ गेर मेटा जलप्रपात स्थित है। महासमुंद में है आपका घोड़ाधार जलप्रपात, महासमुंद में है धसकुट जलप्रपात, कबीरधाम जिले में है सरईदाह जलप्रपात, केशकाल कोंडागांव में है मुत्ते खड़का जलप्रपात और दंतेवाड़ा में है फूलपाड़ जलप्रपात। तो इन जलप्रपातों को याद कीजिएगा, जलप्रपातों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए विविध मिसलेनियस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कोंडागांव जिले में एक कुश्ती अकादमी खोले जाने की घोषणा की गई है, साथ ही साथ रायपुर जिले के गुढ़ियारी में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी खोले जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। कोंडागांव में तो कुश्ती अकादमी खोला जाएगा, लेकिन रायपुर जिले के गुढ़ियारी में राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट लेवल का कुश्ती अकादमी खोला जाएगा। 39वां चक्रधर समारोह 2023
इसका आयोजन, चक्रधर समारोह का आयोजन कहां होता है? रायगढ़ जिले में। चक्रधर समारोह का आयोजन किस डेट में होता है? गणेश चतुर्थी के दिन। इस साल आपके सितंबर महीने में 19 तारीख को गणेश जी बैठाए जाएंगे, उसी दिन गणेश चतुर्थी है। तो प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दिन ही चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। इस साल जो है ये चक्रधर समारोह 3 दिवसीय 19, 20, 21 सितंबर 2023 आपके चक्रधर समारोह का आयोजन होगा। और ये कौन सा संस्करण है पूछा जाए तो 39वां संस्करण है यह चक्रधर समारोह का। समर्थन मूल्य पर लघु वनुपज खरीदी। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में 65 प्रकार के लघु वनुपज की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है, लेकिन न्यूज़ आर्टिकल और जो जनमन पत्रिका आया है उसमें अलग से मेंशन किया गया है कि टोटल 67 प्रकार के लघु वनुपज की खरीदी आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। देखिए, न्यूज़पेपर में बहुत से जगह 65 प्रकार लिखा है, बहुत से जगह 67 प्रकार 67 लिखा है, लेकिन जनमन पत्रिका अगस्त 2023 जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो पब्लिश किया जाता है उसमें 67 प्रकार लिखा हुआ आया है। तो अब आप याद करेंगे कि समर्थन मूल्य पर 67 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाती है। नेक्स्ट है लिथियम भंडारित क्षेत्र। लिथियम जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बैटरी बनाने के लिए उपयोग में होता है। देखिए, हमारे प्रदेश में कटघोरा, कोरबा जिले के कटघोरा के मानगुरु पहाड़ी में और राहा और रामकछार पौड़ी उपरोड़ा में जो है यह लिथियम भंडारित क्षेत्र होने की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट है राजकोषीय रिपोर्ट 2023-24। इसके प्रथम तिमाही बजटीय अनुमान में हमारा छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे में छत्तीसगढ़, तीसरे में है तेलंगाना। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना क्रियान्वयन। आयुष्मान भारत योजना जिसमें 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सकीय इलाज कराया जाता है, ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे में मध्य प्रदेश और तीसरे में है हमारा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है बजरंग अखाड़ा प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बजरंग अखाड़ा प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। यह योजना पहलवानों के लिए होगा। अखाड़ा जहाँ पे पहलवान होते हैं, तो बजरंग अखाड़ा प्रोत्साहन योजना पहलवानों के लिए इस योजना की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15वां नगर निगम। हमारे प्रदेश में टोटल 14 नगर निगम है। 14वें नंबर का नगर निगम, 14th नंबर का नगर निगम है रिसाली। 15वां नगर निगम बनाया जाएगा महासमुंद को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि महासमुंद हमारे प्रदेश का 15वां नगर निगम होगा। छत्तीसगढ़ी भाषा वाला पहला शासकीय मोबाइल ऐप कौन सा है पूछा जाए तो मोर बिजली 2.0। छत्तीसगढ़ में जो आपका मोबाइल ऐप है मोर बिजली 2.0, जो कि आपके बिजली विभाग के द्वारा ये मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से आप त्वरित बिल का भुगतान कर सकते हैं। पिछले आपके कुछ 4-5 महीनों में आपने कितने विद्युत का खपत किया है उसका एक रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये है आपका मोर बिजली ऐप, जिसमें कुल 36 प्रकार की सेवाएँ इसमें उपलब्ध है। आप चाहे तो इस मोबाइल ऐप में जा करके आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं अपने क्षेत्र में बिजली की स्थिति का। तो टोटल 36 प्रकार की सेवाएँ इसमें दी जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय मोबाइल ऐप है जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में है, ठीक है। उसमें लैंग्वेज सेटिंग का ऑप्शन है हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023, ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को। छत्तीसगढ़ी नस्ल की ब्रांडेड बकरी ये है अंजोरी बकरी। अंजोरी जो कि दुर्ग में जो अंजोरा वाला क्षेत्र है वहाँ पर यह बकरी है जिसका नाम दिया गया है अंजोरी बकरी। इसे छत्तीसगढ़ी ब्रांड के रूप में लिस्ट किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का देसी गाय है कोसली गाय। कोसली गाय जिसे छत्तीसगढ़ का ब्रांड मिला हुआ है, ठीक है, इसे जो है छत्तीसगढ़ नस्ल की गाय का इसे जो है तमगा मिला हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ नस्ल की गाय है कोसली गाय। तो इसी के तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ नस्ल की एक देसी बकरी को छत्तीसगढ़ का ब्रांड बनाया जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ नस्ल की बकरी के रूप में इसे लिस्ट किया जाएगा अंजोरी बकरी को। अभी पेपर वर्क चल रहा है, जब फाइनल होगा तब इसे मैं आपको अपडेट करा दूंगा। छत्तीसगढ़ का पहला गौ माता मुक्तिधाम। मुक्तिधाम क्या होता है? मृत्यु के पश्चात जो शव को जलाया जाता है जिस जगह पे, वो कहलाता है मुक्तिधाम।
तो छत्तीसगढ़ का पहला गौ माता मुक्ति धाम यानी कि गौ वंशीय नस्लों की मृत्यु के पश्चात उनको जलाने की जहां पे सुविधा होगी उनके लिए मुक्ति धाम बनाया गया है रामानुजगंज बलरामपुर में। स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ के बुनकर विशेष अतिथि, जब आपका स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हुआ तो दिल्ली में छत्तीसगढ़ के 3 बुनकरों को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया, पद्मावती रजनी बघेल जो कि बस्तर से है और मीराबाई जो कि बिलासपुर से है। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अगस्त 2023 यहाँ पर होता है ख़त्म। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।